दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट यानी कि वीसैट 2021 के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप क्लास 6th to 12th या फिर 12th पास आउट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पे दोस्तों 100% तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह इन्होंने अपने पोर्टल पर जो है रिजल्ट भी मेंशन कर रखा है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यानी कि वीसैट 2021 के रिगार्डिंग A to Z डिटेल्स को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको न्यू एक्टिव स्कॉलरशिप्स 2021 करके एक लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप कोई एग्जाम सर्च कर रहे हैं तो उस लिंक को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो के एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पे टेस्ट का डेट देख सकते हैं, इनका टेस्ट जो है 3 मार्च और 7 मार्च को यहां पे कंडक्ट होने वाला है। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि आप 7 मार्च के बाद टेस्ट नहीं दे पाएंगे, इनका वीकली बेसिस अभी 2 टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, एक वेंसडे को और एक संडे को। तो 7 मार्च के नेक्स्ट जो भी वेंसडे या फिर संडे आएगा उस दिन भी आप टेस्ट को दे पाएंगे। ओके, यहां पे दोस्तों 10 करोड़ प्लस स्कॉलरशिप पूल रखे गए हैं जिसमें आपको 100% का स्कॉलरशिप लेने का मौका मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का भी कोई फी आपको पेड नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। टेस्ट जो है दोस्तों ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है। बेनिफिट्स में दोस्तों आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट, माइक्रो कोर्स, फ्री लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलते हैं इंडिया के टॉप IITians के द्वारा। बात करें दोस्तों यहाँ पे टेस्ट टाइप के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और एलिजिबिलिटी में आप क्लास 6th to 12th या फिर 12th पास आउट हैं किसी भी बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट पैटर्न के बारे में कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस या फिर कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे क्लासेस को जो है टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। और जो भी क्लासेस हैं सारे क्लासेस के लिए पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, बस जो टाइमिंग है टेस्ट का, कितने देर का टेस्ट होगा वो यहाँ पर डिफर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी 1 में जो है क्लास 6th, 7th, 8th क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे जिनसे टोटल क्वेश्चन जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स। यहाँ से दोस्तों टोटल 50 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सही आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, गलत आंसर पे 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं एज अ नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन का वेटेज दोस्तों 200 मार्क्स का होगा और जिसको आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। यही पैटर्न दोस्तों फॉलो करता है क्लास 12th या फिर 12th पास आउट के लिए, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं क्लास 8th में है नीट ड्रॉपर के लिए। तो यहां भी सारा पैटर्न सेम है लेकिन टाइमिंग दोस्तों यहां पे 90 मिनट्स आपको दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपने क्लासेस वाइज के लिए देख सकते हैं। और यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है 3 मार्च और 7 मार्च दोनों टेस्ट को अटेम्प्ट करना है या फिर किसी एक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, तो दोनों में से आप किसी एक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप जिसमें कंफर्टेबल, या फिर 3 मार्च को या फिर 7 मार्च को। इसी तरह से नेक्स्ट वीक में 2 टेस्ट कंडक्ट होगा तो उन दोनों में से किसी एक को ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सिलेबस को देखिए दोस्तों, तो अभी तक तो आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि किस क्लासेस में है तो किस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी 1st यानी कि 6th, 7th, 8th स्टूडेंट्स और कैटेगरी 2nd यानी कि 9th, 10th स्टूडेंट्स जो है सेम सिलेबस यहाँ पे रखे गए हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैटेगरी 3rd यानी कि 11th JEE एस्पिरेंट से फिजिक्स से 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 12 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों कैटेगरी 4th यानी कि 11th नीट एस्पिरेंट्स, कैटेगरी 5th यानी कि 12th JEE एस्पिरेंट्स और आप इसी तरह से कैटेगरी 8th तक भी देख पाएंगे। अगर इसको डिस्कस करेंगे तो हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसके ना वीडियो को पॉज करके भी देख पाएंगे। और इनका रिजल्ट दोस्तों 15th मार्च 2021 को अनाउंस कर दिए जाएंगे। और एक चीज आपको वीसेट के साथ काफी बेटर मिलता है, आप गुड स्कोर करते हैं वीसेट में तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलता ही है, साथ ही ओनली वीसेट अटैम्प्ट करने का 90% तक का डिस्काउंट कूपन मिलता है माइक्रो कोर्सेस में। जैसा कि हम लोगों ने बेनिफिट्स में डिस्कस किया, आपको यहाँ पे लाइव ऑनलाइन क्लास, माइक्रो कोर्स, मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं, तो आपको माइक्रो कोर्स में जो है 90% का डिस्काउंट कूपन मिलता है ओनली वीसेट अटैम्प्ट करने का। ओके, यहाँ पे दोस्तों बात करें स्कॉलरशिप के बारे में, कितने रैंक में आते हैं तो वो कितना स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों रैंक 1st स्टूडेंट को 100% का स्कॉलरशिप दी जाती है, रैंक 2nd एंड 3rd को 90%, रैंक 4 to 10 को 75%। उसी तरह से दोस्तों आप अंडर 1000 रैंक में आते हैं तो वो कितना स्कॉलरशिप दिए जाएंगे वो आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, आप पहले से वीसेट में अप्लाई किए हुए हों यानी कि वेदांतु के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये तो क्या दोस्तों वीसेट के रिगार्डिंग डिटेल्स। बात करें आप इसके लिए रजिस्टर कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों सबसे ऊपर आएंगे तो रजिस्टर फॉर फ्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना स्टूडेंट्स नेम, ग्रेड सेलेक्ट करना है, आप जिस भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे CBSE ICSE है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल नेम और सिटी डाल के यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। तो ये कुछ छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है, आप समझदार है दोस्तों आप यहाँ पे आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ डिटेल्स वीसेट 2021 के रिगार्डिंग। अभी भी कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कॉमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।